देवास जिले के छोटे से बचकाल गांव की बेटी पूजा जाट ने थाईलैंड में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप टूर्नामेंट में बॉस ब्रांड मेडल जीतने के बाद पहली बार अपने गांव लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों ने पूजा का साफा एवं पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया और देश का नाम रोशन करने पर बधाई दी। पूजा ने चर्चा में बताया कि वह थाईलैंड के बैंकॉक से एशियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट में ब्रांस मेडल जीतकर अपने गांव लौटी है। पूजा ने यह भी बताया कि समाज की सोच सकारात्मक हो और सहयोग हो तो हर घर से पूजा निकल सकती है। उन्होंने कहा कि जब मैं एक छोटे से गांव की लड़की देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ तो अन्य गाँव की लड़कियाँ भी देश का नाम रोशन करने में पीछे क्यों रहे। साथ ही यह भी बताया कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पहली बार देश से बाहर जाकर देश का नाम रोशन किया है। यह मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल था जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आज आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम था ये? आज एशियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट में गई थी मैं बैंकॉक थाईलैंड, वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है और अभी वर्ल्ड टूर्नामेंट भी खेलने गई थी यूरोप इस्टोनिया, तो काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मेरा, पहले ही जूनियर था एंड पहले इंटरनेशनल था। अच्छा, तो इसमें आप ये जो आने वाले जो बेटियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल संदेश देना चाहूँगी, जब मैं एक छोटे से ग्राम से निकल सकती हूँ तो बाकी की लड़कियाँ क्यों नहीं निकल सकती है, सभी निकल सकती है। मैं चाहती हूँ हर एक घर से एक पूजा निकले और एक आप सबकी एक सोच मिल के उसको आगे सपोर्ट करने के लिए, अपने गाँव से सपोर्ट करने के लिए हमेशा प्रेरित रहे हैं, बस यही संदेश देना चाहूँगी सारी लड़कियों। आपने देश का नाम और प्रदेश का नाम रोशन किया, इसमें आप क्या किस प्रकार महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन किया है, क्योंकि वहाँ पर प्रदेश नहीं देश देखा जाता है बाहर, कोई भी कहते हैं तो इंडिया टीम मेंबर कहते हैं, ना कि यूँ कहते कि किस प्रदेश की है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।